हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए देखते हैं हीट इंडेक्स क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है इसको मेजर करना। आज के न्यूज़पेपर में ये वर्ड आया था, तो किसी एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है हीट इंडेक्स क्या है। तो चलिए देखते हैं। अर्लियर इन अगस्त ईरान रिकॉर्डेड अ स्क्रॉचिंग हीट। स्क्रॉचिंग मतलब बहुत बढ़ता हुआ हाई हीट इंडेक्स ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस इन अ कोस्टल पार्ट ऑफ अ कंट्री, अ मेट्रिक एट विच सर्वाइवल ऑफ अ लाइफ इज अनफैथोमेबल। इफ अनफैथोमेबल मतलब बहुत हार्ड है, इफ नॉट इम्पॉसिबल। द कंट्री सेज कंट्री हैड ऑल्सो डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडे ऑन अगस्त 2 एंड 3 ऑन अकाउंट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड हीट, रिटवर्स रिपोर्टेड। ठीक है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दिस ईयर दैट ईरान इज़ डीलिंग विद एक्सट्रीम हीट। इन जुलाई US बेस्ड वेदर ऑब्जर्वर कॉलिंग मैकार्थी रिपोर्टेड दैट द पर्शियन गल्फ एयरपोर्ट रिकॉर्डेड द हीट इंडेक्स ऑफ 66.7 डिग्री। ईरान में इतना आ गया, पर्शियन गल्फ में यह आ गया, देखते हैं क्या है। वॉट इज हीट इंडेक्स? हीट इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज अपेरेंट टेम्परेचर, इज अ मेजर ऑफ हाउ द टेम्परेचर फील्स टू ह्यूमन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस हीट इंडेक्स अलॉन्ग विथ एयर टेम्परेचर। मतलब आप मानिए 20 डिग्री है, पर आपको फील कितना हो रहा है? क्या लग रहा है, 30 जितना? तो उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये वही है कि आपको फील कितना हो रहा है, ये फीलिंग की बात हो रही है आपकी, आप समझ रहे हैं फील कैसा हो रहा है। हाउ इज़ द हीट इंडेक्स कैलकुलेटेड? अ कॉम्प्लेक्स फार्मूला टू कैलकुलेट हीट इंडेक्स वॉज पब्लिश्ड बाय डॉक्टर रॉबर्ट स्टेडमैन, अ प्रोफेसर इन अ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग डिपार्टमेंट ऑफ कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी इन 1979। डॉक्टर स्टेडमैन पब्लिश टू पेपर, द असेसमेंट ऑफ क्या है ये, सॉलिडनेस पार्ट 1, अ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स बेस्ड ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी एंड क्लोथिंग साइंस, पार्ट 2, इफेक्ट ऑफ विंड एक्स्ट्रा रेडिएशन एंड बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑन अपेरेंट टेम्परेचर, बोथ डिस्क्राइबिंग हिज कैलकुलेशन ऑफ हीट इंडेक्स। डॉक्टर स्टेडमैन स्टडी कंसिडर अ टिपिकल अडल्ट ह्यूमन ऑफ आइडर सेक्स विद द हाइट ऑफ 1.7 मीटर एंड अ वेट ऑफ 67 kg। ड्यू पॉइंट विच इज अ टेम्परेचर एट विच गैस इज ट्रांसफॉर्म्ड इंटू लिक्विड स्टेट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ हीट इंडेक्स। देखिए इसको यहाँ पे आप इम्पोर्टेंस दीजिएगा ड्यू पॉइंट को। इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच गैस इज ट्रांसफॉर्म्ड इंटू अ लिक्विड स्टेट। मतलब गैस जो है लिक्विड स्टेट में जा रहा है, ये वो टेम्परेचर होता है। इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कैलकुलेशन ऑफ हीट इंडेक्स। इन टर्म ऑफ एटमोसफियरिक मॉइस्चर, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एयर कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर वेपर एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिगिन टू फॉर्म। डॉक्टर स्टेडमैन यूजेस 14 डिग्री सेल्सियस एज ड्यू पॉइंट इन हिज कैलकुलेशन। सम कंट्रीज हैव डेवलप्ड देयर ओन कॉरस्पॉन्डिंग इंडिसेस टू मेजर हीट इंडेक्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वन डेवलप्ड बाय डॉक्टर स्टेडमैन। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेजर, इज इट इम्पॉर्टेंट टू मेजर हीट इंडेक्स, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, देखते हैं। हॉट एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन कोल्ड एयर, हाँ ये हमें पता है। देयरफॉर व्हेन टेम्परेचर राइजेस द एयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, हॉट एयर में कोल्ड एयर के कंपेरिजन में ज़्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, दस अफेक्टिंग द अपेरेंट टेम्परेचर और हीट इंडेक्स। तो उससे जो हीट इंडेक्स है बढ़ेगा, आपको फीलिंग ज़्यादा गर्मी की आएगी जितनी है भी नहीं शायद। ह्यूमिडिटी इज टिपिकली हायर ड्यूरिंग हीट वेव्स विच इज़ वाई द हीट इंडेक्स एट अ टाइम इज यूजली हायर देन जस्ट द टेम्परेचर बिकॉज ह्यूमिड एयर कैन फील हॉटर टू ह्यूमंस। हाउ डज हाई ह्यूमिडिटी इम्पैक्ट द ह्यूमन बॉडी, देखते हैं हाई ह्यूमिडिटी से क्या होता है ह्यूमन बॉडी को। हाई ह्यूमिडिटी कैन लीड टू हीट स्ट्रेस, मीनिंग अ बॉडी इज अनेबल टू गेट रीड ऑफ एक्सेस हीट। ह्यूमन्स यूजली मेंटेन अ कोर टेम्परेचर इन एन रेंज ऑफ 36.1 to 37.2 डिग्री सेल्सियस। वेन द बॉडी इज अनेबल टू गेट रीड ऑफ एक्सेस हीट द हार्ट रेट इंक्रीजेज ड्यू टू राइज ऑफ कोर टेम्परेचर लीडिंग टू हीट रिलेटेड जस्ट अ सेकेंड लीडिंग टू हीट रिलेटेड एग्जॉशन एंड रैशेस अमंग अदर एंड अदर सिम्टम्स। इट कैन ऑल्सो बी फेटल इफ नॉट एड्रेस प्रॉपरली। तो यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ जाता है सिंपली।
एट हाई टेम्परेचर द ह्यूमन बॉडी कैन लूज एक्सेस हीट थ्रू परसिपिरेशन एंड कूल इट सेल्फ। ठीक है, मतलब पसीना निकलेगा कूल करने के लिए। बट इन ह्यूमिडिटी इज हाई एज वेल, इट इज डिफिकल्ट टू स्वेट एंड देन फॉर दैट स्वेट टू एवोपरेट बिकॉज द एयर अराउंड इज ऑलरेडी सेचुरेटेड विथ मॉइस्चर। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर बॉडी टू लूज हीट। जस्ट अ सेकेंड गाइस, सॉरी सॉरी फॉर दिस, थोड़ा सा गला खराब है मेरा एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। देखिए, टेम्परेचर हाई है तो आपका पसीना निकलेगा, तो भाई बाहर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी हाई है तो पसीना इवेपरेट नहीं होगा, वहीं रहेगा, तो वो आपको और फील लाइक ज़्यादा होगा कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, क्योंकि वो आपको कूलिंग इफेक्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि इवेपरेट नहीं होगा आपका बॉडी का हीट लेकर के, यही बोला जा रहा है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर दी बॉडी टू लूज हीट, क्योंकि पसीना बॉडी के स्किन पर है, हीट लेगा पर वो इवेपरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर है, तो हीट वहीं पर आपकी स्किन पर ही है। ऑन दी अदर हैंड, इफ द ह्यूमिडिटी इज लो, इवेपरेशन ऑफ स्वेट इज ईजियर, दस मेकिंग द अपेरेंट टेम्परेचर फील क्लोज टू एक्चुअल एयर टेम्परेचर। दिस इज वाई अ मेजर ऑफ हीट इंडेक्स इज मोर यूजफुल देन जस्ट अ टेम्परेचर टू गॉज अ इम्पैक्ट ऑफ हीट ऑन ह्यूमन्स। वॉट मेजर कैन वी टेक टू अडेप्ट? द हीट इंडेक्स वैल्यू ऑफ 67 डिग्री सेल्सियस और अबव कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर पीपल एंड एनिमल हु हैव डायरेक्ट एंड प्रोलोंग्ड एक्सपोजर। ठीक है, विथ क्लाइमेट चेंज इट इज़ लाइकली दैट वी विल कंटिन्यू टू विटनेस रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट इंडेक्स वैल्यू अक्रॉस द वर्ल्ड। वी विल नीड टू प्रिपेयर एंड अडेप्ट टू सच एक्सट्रीम कंडीशन बाई इन्वेस्टिंग इन अर्ली वार्निंग, मेकिंग चेंजेस टू वर्क टाइमिंग एंड फाइंडिंग सस्टेनेबल कूलिंग सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ क्योंकि लिखने का जगह नहीं है मेरे पास। हीट इंडेक्स क्या है इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ड्यू पॉइंट क्या है हमारे लिए इंडेक्स इम्पोर्टेंट हो जाता है, हाई ह्यूमिडिटी में ह्यूमन बॉडी कैसे रिएक्ट करता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये किसने बनाया था ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, डॉक्टर स्टिडमैन ने बनाया था, एंड स्वेटिंग का ह्यूमिडिटी से क्या लेना देना है जैसे मैंने समझाया वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, एंड इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट इन अर्ली वार्निंग, मेकिंग चेंजेस टू वर्क टाइमिंग, जो दिन भर दोपहर में काम कर रहे हो उसकी जगह थोड़ा सुबह अर्ली मॉर्निंग करो या लेट नाइट करो, एंड फाइंडिंग सस्टेनेबल कूलिंग सोल्यूशन। एसी सोल्यूशन नहीं है, एसी एयर कंडीशनर इज नॉट ए सोल्यूशन, एंड कुछ सस्टेनेबल इसके जगह खोजा जाए ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यही चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, एंड हीट इंडेक्स बता दिया मैंने आप लोगों को, ये रहा उसका डेफिनेशन, एंड बहुत ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको नहीं देखना हमें। ड्यू पॉइंट क्या हो जाता है, ये मैंने लिक्विड से गैस से डायरेक्ट लिक्विड, गैस टू लिक्विड अगर कोई आए जिस टेम्परेचर पे उसको ड्यू पॉइंट बोला जाता है, एंड स्टेडमेंट ने हीट इंडेक्स बनाया था। ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है ये देखिए यहाँ पे मैंने समझाया है। तो इस आर्टिकल में इतना इम्पोर्टेंट था। सो थैंक यू गाइज एंड वर्क हार्ड, आज इतना तपो पसीना निकालो कि कल ज़िंदगी तुम्हारी एयर कंडीशनर में बीते और वो भी सस्टेनेबल कूलिंग सोल्यूशन के साथ बीते, सस्टेनेबल एसी में बीते। सो प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स एंड लग्जरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।